हाय एवरीवन, मैं हूं अनीमा। माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए डोनट की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस होती है, सभी को बहुत पसंद आती है, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और बच्चों को तो खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये जो रेड वाली सब्सक्राइब बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए और साथ ही के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना टोटली फ्री है, तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मैंने क्या लिया है इंग्रेडिएंट में, 200 ग्राम मैंने मैदा ले रखा है, आधे छोटे चम्मच नमक ले रखा है, एक बड़े चम्मच चीनी ले रखा है। चीनी आप चाहें तो पीस करके ले सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इससे दोनों में से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर मैंने ड्राई एक्टिव यीस्ट लिया है, इसे हमें अलग से फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ड्राई एक्टिव यीस्ट नहीं मिलती है आपको तो आप चाहें तो इसे 5-10 मिनट के लिए चीनी और पानी के घोल में फर्मेंट कर लीजिए, फिर इसको मिक्स करके इसमें बटर और दूध के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। एक डो अच्छा सा तैयार करना है हमें, या फिर आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, तो आप जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है और इस डो को मैंने तैयार किया है। देखिए इस तरीके से आपको डो को तैयार करना है, एक सॉफ्ट सा डो बनाना है हमें। जब डो हमारा सिमटने लगे अच्छे से, तब हम उसे एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे, फिर समेट लेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे। इस प्रोसेस को 5-10 मिनट हमें करना है, उसके बाद अच्छा सा एक डो बन के हमारा तैयार हो जाएगा। डो को अभी मैंने रेस्ट पे नहीं रखा है, 5-10 मिनट छोड़ा था बस, उसके बाद मैंने डायरेक्ट बेलना स्टार्ट कर दिया। तो इसे आप डायरेक्ट बेल लें। और अब मैंने अभी पहले डो को रेस्ट पे क्यों नहीं रखा, ये चलिए मैं इसको आगे बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको बेल लेना है और इसकी जो मोटाई है वो आपको आधे इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है और ना ही कम रखनी है। इसके बाद आपको एक ग्लास या कटोरा, जो भी हो, इस तरीके से तेज़ धार वाली वो लेनी है, या फिर आप कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा वाला जो कट करना है उसके लिए आप कोई बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, मेरे पास जो था मैंने लिया। आप किसी भी बॉटल का ढक्कन या कटोरा, जो भी आप इस तरीके से लेके उसको कट करना है। देखिए ये बड़े के लिए मैंने ग्लास यूज़ किया है, ठीक है। इस तरीके से सारे हम निकाल लेंगे, और छोटे के लिए आप किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। देखिए ऐसे बीच में हम इसको बिल्कुल सेंटर में रख के दबा देंगे और इसको बीच से हटा लेंगे। तो इसी तरीके से सारे डोनट बना लेने हैं। और ये जो आटा हमारा निकल रहा है, जो हमारा डो है, इसे वापस से मसल लेना है और फिर से हमें इस चीज़ को, प्रोसेस को रिपीट करके सारे डोनट्स बना के रख लेने हैं। अब पहले मैंने फर्मेंट नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर पहले ही हम रेस्ट पे रख देते तो ये पहले ही फूल जाता, और वापस से बेलने के बाद वो जो एक डोनट ऊपर में फूला हुआ और ब्रेड वाली कंसिस्टेंसी जो आनी चाहिए वो नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया है, आप ब्रश से ऑयल लगा सकते हैं अगर आप इसको बटर पेपर पे रख रहे हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि ये अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों ही ऑयल लग जाना चाहिए, क्योंकि हम बटर पेपर पे नहीं रख रहे हैं, स्टील के प्लेट में रख लीजिए और इसे ढक करके 1-1.5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। अभी ही हमें रेस्ट पे रखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 1 कप चीनी को मैंने मिक्सी में पीस करके शुगर पाउडर बना लिया है। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। इस पर हम डोनट की कोटिंग करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने डोनट को। लगभग 1.5 घंटे के करीब हो गया है, अब देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है। तो यही चाहिए था हमें, क्योंकि ये बाद में फूले, ताकि ये बहुत फ्लफी सा बने, इसीलिए मैंने पहले डोनट को रेस्ट पे, अपने डो को रेस्ट पे नहीं रखा। तो तेल हमने ले लिया है यहाँ पे, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल, घी, राइस ब्रैन कुछ भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि तेल प्रॉपर हीट होना चाहिए, अच्छे से जब गर्म हो जाए तो हम मीडियम हीट पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए तेल चेक कर लिया, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के अब मीडियम हीट पे ही हम सारा अपना डोनट जो है वो फ्राई करेंगे। अच्छा, डोनट्स को जो है ना, पैन में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, ओवर क्राउड नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, तेल हमारा एकदम से ठंडा हो जाएगा और डोनट अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो हम मीडियम हीट पर अच्छे से 2-4 डोनट ही एक बार में आप बनाइए, या फिर आप, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ में फ्राई कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको निकाल लिया है, तो ऐसे सारे डोनट्स हमने फ्राई करके रख लिया। और मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए
ये कितने अच्छे से देखिए आप देख सकते हैं बहुत फ्लफी सा बना है हमारा, और आप देखिए अंदर तक बिल्कुल ब्रेड वाली कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गया है। तो चलिए अब फटाफट से हम इसको शुगर में कोटिंग कर लेते हैं। जो शुगर कोटिंग आपको करनी है वो डोनट गर्म गर्म में ही आप कर लीजिए, और ये कोटिंग आप चाहें तो बहुत ज़्यादा करें कम करें, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो पूरी अच्छे तरीके से कोटिंग कर दीजिए, मैंने दोनों तरीके से किया है। देखिए कुछ बहुत ज़्यादा शुगर लगा हुआ है, किसी पे कोटिंग कम है। अब यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ले लिया है, ब्राउन चॉकलेट ले लिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे हम डबल बॉयलर में। डबल बॉयलर कैसे बनाएंगे, देखिए एक नीचे में कटोरी पैन कुछ भी आप रखिए, उसमें पानी रखिए और उसको गैस पे रख लीजिए, और ऊपर में आप दूसरे कटोरे में रख के इस तरीके से चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए। मैंने दोनों ही चॉकलेट इस तरीके से मेल्ट कर लिया है, देखिए ब्राउन चॉकलेट भी मैंने मेल्ट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो हमने डोनट्स बना के रखा है शुगर कोटिंग करके, अब उसमें हम इसमें डिप करेंगे। ये आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप उसकी कोटिंग करिए। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए चॉकलेट तो मस्ट हो जाता है। तो चॉकलेट में इस तरीके से हम कोटिंग करके रख लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको चॉकलेट की कोटिंग नहीं करनी है, आपको स्प्रेड की कोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो उसके बदले आपको क्या करना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके से चॉकलेट की कोटिंग करने के बाद शुगर ऐड कर दिया है, उसके ऊपर आप चॉकलेट का लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर्षी सिरप को यूज़ किया है, कोई ज़रूरी नहीं आप हर्षी यूज़ करें, मतलब ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब दूसरी कोटिंग हम तैयार करते हैं कुछ नए तरीके से। तो चॉकलेट की कोटिंग कर ली है, एक में वाइट चॉकलेट की कोटिंग कर ली है, और पाइपिंग बैग बना लिया है मैंने इस तरीके से, कौन सा बना लिया है ये देखिए, इसमें वाइट चॉकलेट और एक में ब्राउन चॉकलेट डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप डेकोरेट कर लीजिए, तो ये जैसी मर्जी आप उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि डोनट के अंदर में भी चॉकलेट वो कैसे हम फिल करेंगे, तो उसका तरीका मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आप फ्राई कर लीजिए डोनट, मैंने अलग ही शेप में एक बनाया है, और होल बना के फिर हम पाइपिंग बैग जो हमने बना रखा है उससे हम उसके अंदर चॉकलेट को फिल कर देंगे। धीरे धीरे से आराम से आपको करना है इसको। अब मैं इसको, चलिए मैं इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि क्या अंदर तक हमारा जो चॉकलेट फिलिंग है वो गया है कि नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से चला गया है। तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँ।